श्रीमद् भगवद् गीता जीवन दर्शन का ज्ञान देता पवित्र ग्रंथ। महाभारत यह महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखा एक अद्भुत ग्रंथ है। युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद् गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। भगवद गीता जो श्री कृष्ण का आकार रूप है, ये गीता शब्द रूप अवतार है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रथम अध्याय प्रारंभ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास देव जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि उसकी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की ओर, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र भई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना की व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पद पुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसा बड़े बड़े दुंधारी वीर युयोधान विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान बलवान काशराज परुजित कुंतीभोज नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युधामयु बलवान उत्तमौजा अभिमानु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण अर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म करण युद्ध विजयी कृपाचरी अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक है बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जत हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंखों नगाड़े ढोल गोमुखादि इनके बाजे बजाने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्म और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौर नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नुकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और महाधनुधर काशीराज शिखरी धृष्टद्युम्न विराट अपराजित सत्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युता, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुबुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा बाबा गुरु मामा भाई पुत्र पौत्र मित्र
श्वसुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे है कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग गीले होते गए हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है, हे केशव मुझमें यहाँ खड़े रहने की सामर्थ नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा और हे कृष्ण जीत राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ, हे प्रभु हमको राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ करने को तैयार है और आचार्य पिता पुत्र पितामह मामा ससुर पौत्र साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन मैं इन्हें मरने की इच्छा नहीं करूँगा, हे जनार्दन त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या, हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरकर हमारा क्या भला होगा, इन आत्ताओं का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है, हे माधव स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं, ये सब लोग के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते, कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए, कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्मनिष्ठ हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है, हे कृष्ण पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं जिनमें वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है, वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचते हैं क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं, वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुलवधुओं की जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं, हे जनार्दन मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है, हम बड़ा पातक करने को तैयार है जो राज्य सुख के लोग से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ शास्त्र रहित और उपाय ही न को रणभूमि में बांध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो, संजय ने कहा हे राजन ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष वाण फेंके दिया और रथ को पिछले भाग में जा बैठा। इति श्री भगवत गीता ज्ञान प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा हे महादेव जी किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं, वृक्षाला ओढ़े अंगों में शमशानों को विभूत लगाए गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले हे प्रिय सुनो गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा है भगवान जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है, तब महादेव जी ने कहा ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे, मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे, उस समय भगवान के चरण दबती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा हे प्रभु निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव जी हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले हे लक्ष्मी मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्ता, एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान उसके आनंद में मग्न रहता हूँ, जैसे 24 अवतार मेरे आकर रूप है तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता में यह अंग है, पांच अध्याय मेरी मुख है, पांच अध्याय मेरी भुजा है, पांच अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है, सब गीता के जो श्लोक हाँ सो मेरी नाड़ियां है, गीता के अक्षर है सो मेरे रोम है, ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली हे श्री नारायण जी जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है सो मुझसे कहो, तब श्री नारायण जी ने कहा हे लक्ष्मी गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं सो तू श्रवण कर। शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था, उसने बकरी पाली
एक दिन वह बकरी चराने को बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मानता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल भारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मानता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखा करे, कोई तीरथ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। जब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है जिसका फल मैं इस बैल को निमित्त दिया, इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ पिता ने इसको विद्यार्थी किया, तब इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैले की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचाना है? गणिका कहा, मैं नहीं पहचानती हूँ, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर का तोता है, वह कुछ सवेरे पड़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पड़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया, एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था, तक मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस विप्र के घर चोर आ गए, उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों को ये गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, ये सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता, जो मैं पढ़ता हूँ वहाँ पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, इतना कहने से तोते की मुक्ति भी, गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किया, नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इसके उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजाने से भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। भगवद गीता अध्याय 1 समाप्तम्।